ऐसे महिलाओं के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार रेप की घटनाएं आ रही हैं, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि रेप के बाद मार देने का जो एक प्रथा चल रही है, और उसमें सरकार की तरफ से उसको बचाने की कोशिश हो रही है अपराधियों को, ये सबसे डेंजरस चीज़ है। चाहे वो चिन्मय नंद हो या वो जो MLA है वो हो, आज प्रोटेक्शन मिला हुआ है उनको, उनकी जो विक्टम्स हैं वो जेलों में पड़ी हुई हैं। तो ये आप हमारे अधिकार के ऊपर, हमारी आज़ादी के ऊपर, हमारे डिग्निटी के ऊपर एक हमला है। दूसरी तरफ 4 आरोपी पकड़े गए और उनको पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, और उसके बाद आप वाहवाही कर रहे हो कि हाँ हमने देखो बदला ले लिया। कानून बदला लेने के लिए नहीं होता, रिवेंज के लिए नहीं होता, कानून न्याय के लिए होता है। टुडे इज ह्यूमन राइट्स डे एंड वी हैव चोजन दिस डे to reject CAB, that is Citizens Amendment Bill 2019. The major reason why we would like to reject it, and we protest against tabling of the bill, discussion on the bill, and on the possible passage of the bill in Parliament and eventual implementation, if at all, is because majorly it divides the people. It is unconstitutional. It attacks the concept of equality which has been enshrined in the Constitution. It attacks the concept of non-discrimination, again enshrined in the Constitution. So they are actually throwing this constitution to the winds. And what is going to happen? You look at citizenship on the basis of religion. Now that is not the way citizenship can be defined. Aaj Vishv Manav Divas manaya ja raha hai, aur is avsar par hamare desh mein मानव अधिकारों पर चौतरफा हमला हो रहा है। हमारे समाज के हर तबके और हर हिस्से पर आज हमला हो रहा है। आज कश्मीर में 70 लाख लोगों के मानव अधिकारों का हनन हुआ है। पिछले 4 महीनों से कश्मीर घाटी में वहां के जनता के लिए कोई भी बुनियादी अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दी गई है, जीने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, ये सब अधिकार वहां खत्म किया गया है। 4 महीने से लोगों को सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं है, अस्पताल में जाके इलाज करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। हजारों लोग अभी भी नजरबंद है। आज का जो धरना है, हर तबके के ऊपर जो हमला बढ़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ा है, किसान के ऊपर हमला बढ़ा है, और सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है। इंडस्ट्रियल अगर देखा जाए तो पूरे देश में करोड़ों करोड़ लोग पिछले 5-7 सालों के अंदर बेरोजगार हुए हैं, जो रोजगार पर थे, और रोजगार के कोई आज चांस भी नहीं है। आने वाले समय में ठेके का थोड़ा बहुत काम बनेगा। तो अधिकार का जब सवाल है महिलाओं के ऊपर,
इतना भीषण जिस तरह की घटनाएं इस दौर में पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर बढ़ी हैं, ये कभी नहीं सुना गया था, ना कभी देखा गया था। और इसका मूल कारण क्या है? इसके पीछे सरकार का संरक्षण।